नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.4 इसका नौवां प्रश्न आज हम कर रहे हैं। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहली लाइन पढ़िए, दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यानी पहले पौत्री की आयु पता होगी, उसका 10 गुना दादा की आयु होगी। तो हम मान लेते हैं, मान लो पौत्री की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। अब यदि पौत्री की आयु x वर्ष है तो दादा की आयु कितनी होगी? देखो, हमने यहां क्या कहा, दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि पौत्री की आयु x है तो इसका 10 गुना यानी 10x, ये होगी दादाजी की आयु, ठीक है बच्चों, दादाजी की आयु। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं। ये देखो, ये हमने कर लिया, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, ये तो हमने कर लिया। आगे पढ़ो, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, इसका मतलब दादाजी की जो आयु है उसमें से पौत्री की आयु यदि माइनस कर दें तो 54 आएगा। समझे बात बच्चों, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 साल ज्यादा है, तो दादाजी की आयु में से पौत्री की आयु माइनस कर देंगे तो 54 आना चाहिए। अब देखो, 10x में से 9x माइनस 1x माइनस, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 10x में से 1x माइनस कर दिया, 9x बराबर 54, तो x बराबर 54, 9 इधर गुना हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब हम देखते हैं, 9 से 54 कट जाएगा, 9 छिके 54, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। तो अब हमें निकालना क्या है, उन दोनों की आयु। तो सबसे पहले पौत्री की आयु, और हमने दादाजी की आयु, दोनों निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो, पौत्री की आयु हमने कितनी ली थी, x वर्ष, और x कितना है, 6, तो पौत्री की आयु आ गई 6 वर्ष। अब दादाजी की आयु कितनी है, 10x का मतलब 10 गुना x, x कितना है, 6, इसका मतलब 10 छिके कितना हो गया, 60 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने देखा, इस क्वेश्चन में हमने पौत्री की आयु और दादाजी की आयु में जो जो हमें रिलेशन दिया था उसको हमने हल करके पौत्री की आयु निकाल दी है 6 वर्ष और दादाजी की आयु निकाल दी है 60 वर्ष। उन्होंने कहा था दोनों की आयु में 54 साल का फर्क है, तो 60 और 6 में 54 का फर्क है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया तो बच्चों हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं उससे हमें और ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।